हेलो दोस्तों, जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तब आपको ये ऑप्शन मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट ऑडियंस, यहाँ पर लिखा है इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, इसका मतलब है क्या यह वीडियो बच्चों के लिए है। उसके बाद दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यस इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब हाँ यह वीडियो बच्चों के लिए ही है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, दोस्तों यह वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। दोस्तों अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो बच्चों के लिए ही है, जैसे कार्टून है या फिर और भी कंटेंट हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपका कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है तो आपको ये दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि ये बताता है कि यह वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। दोस्तों अगर आपका वीडियो ऐसा है जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी देख सकता है, एडवांस जो सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी दो ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों पहले ऑप्शन का मतलब है यह वीडियो 18 से ओवर एज वालों तक ही सीमित रखी जाए। ऊपर जो सिलेक्ट किया था उसका मतलब है यह बच्चों के लिए नहीं है, और इसका मतलब है कि यह वीडियो 18 से ऊपर वालों तक ही सीमित रखी जाए। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसे कोई भी देख सकता है, तो आपको यहाँ पर नो करना है कि यह वीडियो 18 से ऊपर वालों तक ही सीमित ना रखी जाए। यह वीडियो बच्चों को भी दिखाई जाए, बड़ों को भी दिखाई जाए, हर किसी के पास भेजी जाए, जिससे आपके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। दोस्तों लेकिन ध्यान रहे, जैसा आपका कंटेंट है वैसे ही सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत सिलेक्ट कर देते हो और बच्चों वाले पे सिलेक्ट कर देते हो, अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है और आपने अगर यहाँ पे यस कर दिया, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ।